दादरी में कांग्रेस की 17 सितंबर को नई अनाज मंडी में होने वाली किसान पंचायत को लेकर पूर्व सीपीएस व संयोजक रावदान सिंह ने पंचायत स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ कई कांग्रेसी नेता भी थे। दान सिंह ने कहा कि दादरी की पंचायत में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा कई बड़े खुलासे करेंगे, वहीं पंचायत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दान सिंह ने कहा कि पंचायत में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा सहित कई बड़े कांग्रेसी नेता शिरकत करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में रविवार को दादरी की नई अनाज मंडी में आयोजित होने वाली किसान मजदूर पंचायत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तैयारियों का जायजा लेने के लिए रावदान सिंह ने दावा किया है कि इलाके में भाजपा सरकार के प्रति लोगों में भारी रोष है तथा यह पंचायत ऐतिहासिक होगी। भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के कारण प्रदेश के किसानों, व्यापारियों और मजदूरों में भारी रोष है तथा इस पंचायत को लेकर इलाके के लोगों में उत्साह है। किसान इस महापंचायत में हिस्सा लेकर सरकार के प्रति आक्रोश प्रकट करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष इस पंचायत को विफल बनाने के लिए कई हथकंडे अपना रहा है। पंचायत में उमड़ने वाला जनसैलाब सरकार के प्रति अपना आक्रोश ही पराकर्षण दिखाएगा। पंचायत स्थल पर उनके साथ पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान सहित पूर्व विधायक व कांग्रेसी नेता भी थे। चरखी दादरी से आजाद टीवी न्यूज के लिए प्रदीप साहू की रिपोर्ट। तैयारियां बहुत अच्छी चल रही हैं और बड़ा उत्साह जो है देखा जा रहा है, और जिस तरह से किसान मजदूर महापंचायतें एक पे एक कामयाबी की तरफ दौड़ती नजर आ रही हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि एक रिकॉर्ड तोड़ जो है कामयाबी के साथ में दादरी की महापंचायत जो है उसका समापन होगा। सर, कुछ दिन पहले यहाँ पर किरण चौधरी जी ने भी किया था अपना शक्ति प्रदर्शन, अभी हुड्डा सर कर रहे हैं, तो दोनों में आप क्या फ़र्क कर रहे हैं? देखिए, ये किसी का शक्ति प्रदर्शन नहीं है। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल राज करके आम आदमी की समस्याओं को समझा, विशेष तौर पर किसान की, क्योंकि इस देश का 70% जनता किसान की उस पर निर्भर करता है, या तो खुद किसान के कार्य में व्यस्त रहता है या मजदूर के काम में रहता है। यहाँ ये जो आयोजन किया जा रहा है, ये किसी शक्ति प्रदर्शन को न करके बल्कि किसान और मजदूर की समस्याओं के समाधान के लिए किया जा रहा है।